नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो पीटीयू पुली के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मैं आपको पार्ट वन में पुली को ओपन करके दिखाया था, अब पार्ट टू में पीटीयू पुली को फिट करूंगा। पीटीयू शाफ्ट को मैं खराज से बनवा लाया हूं। तो पहले हम पुली प्लेट का पैकिंग बना लेता हूँ। इस प्रकार से पैकिंग को बना लूंगा। अब इसमें ऑयल सील को लगाऊंगा, थोड़ा एनाबॉन्ड लगा देता हूं जिससे ऑयल लीक ना करे। इस तरह से ऑयल सील लग जाएगा। इसके सॉकेट में बेयरिंग लगा लेंगे। इस तरह से ऑयल लगाकर इसको फिट करेंगे। ग्रीस भी लगा देते हैं। ये इस तरह से फिट हो जाएगा। इसमें पैकिंग लगाकर बॉडी को रखकर उसके ऊपर वाले प्लेट को रखकर प्लेट को देखूंगा। तो आप देख सकते हैं इतना मोटा गैप है। इसके बेयरिंग के नीचे वाशर लगा हुआ है, कई वाशर लगे हुए हैं। इसमें से एक वाशर को निकाल दूंगा। अब इसे लगाकर चेक करूंगा। अब यह सही है। अब इसके छोटे शाफ्ट को फिट कर लेता हूँ। इसमें ऑयल लगाकर इस तरह से फिट करूँगा। यह इस तरह से दूसरे बैरिंग को भी बैठा लेता हूँ। इसके गियर को इस तरह से लगा दूंगा। यह गियर इस तरह से फिट हो जाएगा। Thank you.
इसके चकनट को लगाकर कटर पिन को लगा लेता हूँ और यह कंप्लीट हो गया। इसके पैकिंग को लगाकर चेक करता हूँ। है ये आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा ही नीचे ऊपर हो रहा है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसके शाफ्ट में एक लॉक लगाकर इसे लगाऊंगा। ये इस तरह से लगा लेने के बाद इसको चेक करता हूँ। अब यह बिल्कुल ठीक है, इसमें हल्का प्ले है, अब यह सही है। अब इसके प्लेट को रख कर देखता हूँ। इसके प्लेट के बीच में गैपिंग है, तो इसमें दो पैकिंग और लगेंगे। पैकिंग बन जाने के बाद अब इसे मैं फाइनल फिट करूंगा। इसके बॉडी को इस तरह से रख लेता हूं। इसके बोल्ट को फंसाकर टाइट कर लूँगा। इसके प्लेट को भी लगा लेते हैं। ये इस तरह से इसके प्लेट को फिटिंग करेंगे। ये इस तरह से प्लेट इसका लग जाएगा और दो बोल्ट टाइट करके चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके छोटे शाफ्ट को लगाकर चेक करूँगा। इसके बोल्ट को टाइट करके चेक करूंगा। ये शाफ्ट हल्का टाइट है, प्ले नहीं है इसमें। इसमें हल्का प्ले होना चाहिए। तो इसे निकाल लेता हूँ। इसमें दो पैकिंग और लगाऊंगा। इसे लगाकर चेक कर लेता हूं। अच्छे से टाइट करने के बाद इसको चेक करता हूं। दोस्तों अब यह बिल्कुल सही है, इसमें हल्का प्ले भी है। अब इसे खोलकर फाइनल टाइट करेंगे। इसमें 400 ग्राम ग्रीस डाल देता हूँ।
और इसमें 150-200 ग्राम गेयर ऑयल डाल लूँगा और इसे इनाबांड लगाकर फाइनल टाइट कर देता हूँ। इसके आयल सील को इस तरह से बैठा दूंगा। यह बिल्कुल फ्री है। पुली के चाबी को लगाकर पुली को लगा देता हूँ। अब इसके पुली को लगा लेता हूँ। यह इस तरह से लग जाएगा। ये पुली बिल्कुल